रामलीला में भी, रामलीला में मेरा पहला मौका है जब मैं रामलीला में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं इसमें कौशल्या और मंदोदरी के कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ और मैं बहुत ही गौरवित फील कर रही हूँ। मुझे भगवान जी की कृपा से ये दोनों कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है, मुझे राम जी की माँ का कैरेक्टर करने के लिए मिल रहा है। तो मैं इसे बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही तैयारी के साथ निभाने की पूरी कोशिश करूँगी और राम जी का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से ही होगा। तो ये जनता को क्या मैसेज देना चाहता है, एक नए रूप में, एक नए तरीके से, वही पुराना स्टाइल, और इसमें जो आपको मौका मिला है कैसा अनुभव, कैसा फील कर रहे हैं? इस बार की रामलीला के लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की है, राम सर ने, बॉबी सर ने बहुत तैयारी की है। इस बार हम इसको और भव्य रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हो रही है। पिछली बार 22 करोड़ लोगों ने रामलीला देखी थी, इस बार हमारा टारगेट 55 करोड़ लोगों तक इसको पहुँचाने का है। और इस बार के स्टेज और सारे कलाकारों पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत ही भव्य रूप में दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि रामलीला तो आप सभी देखते हैं, श्री राम तो सबके मन में बसे हैं और सब उनसे प्यार करते हैं, पर इस रामलीला को आप श्रद्धा भाव से देखिए और श्री राम के जो जो उपदेश हैं, जो उनके शिक्षा के जो भी उन्होंने काम किए हैं, उनको अपनी निजी ज़िंदगी में लाएँ ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा और मीनिंगफुल बना पाएँ। आज उनके उपदेशों की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए उनकी शिक्षा रही है हम उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की जो पीढ़ी भटक गई है और आप भी उसी जनरेशन में आती हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ है, मगर उनको आप उनके मतलब जो भी माता पिता हैं या मॉम डैड हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए और इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए कि अपने कल्चर को हम किस तरीके से और ये कैसा है? बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सब कुछ सीखते हैं, स्कूल में जाकर सीखने से पहले बच्चा अपने घर में सब कुछ सीखता है या वहाँ से आने के बाद भी अपने घर में सब कुछ सीखता है। तो हम अपने बच्चों को जितना घर में सिखा सकते हैं, जितनी वैल्यूज, परिवार की वैल्यू, दूसरों बड़ों की इज्जत करने की वैल्यू, तो ये सब तो हमें अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। और रामायण से देखें तो रामायण में यही सब हमें सिखाया जाता है। श्री राम जी अपने पिता के कहने से 12 वर्ष के वनवास पर चले गए जबकि उनका राजतिलक होने वाला था, उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया और वो अपनी तीन कैकेयी माता को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे जितनी कि वो अपनी कौशल्या माता को देते थे। तो त्याग करना सिखाया है रामायण ने हमें, तो वही चीज़ हमें अगर अपनी निजी ज़िंदगी में हम त्याग करना सीख जाएं, चीज़ों को छोड़ देना सीख जाएं, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा, बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही चाहते हैं हम। धन्यवाद, थैंक यू।